हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, नाम है बशीर। सो गाइस, पाकिस्तानी मीडिया बोल रही है, इस टाइम चर्चा कर रही है कि जो मैच हो रहे हैं सारे यूएसए में, उसमें जो स्टेडियम है वो भारतीयों से भरे होते हैं और जो पार्किंग होती है भारतीयों की लग्जरी रोल्स रॉयस और मुख्तलिफ कारों से भरी होती है। इतने अमीर हैं, रोल्स रॉयस, बेंटली, बड़ी से बड़ी एक्सपेंसिव लग्जरी कारें लेकर आते हैं और पार्किंग भरी होती है उनकी। ये इंडियंस का उधर पावर है भाई, इतने अमीर। आपने देखा है पाकिस्तान इंडिया के मैच में, मैं कहता हूँ 5% पाकिस्तानी नहीं थे, सारी ब्लू सारी टोटल 2%, सारी ब्लू जर्सी थी भाई, ब्लू। अगर 30,000 का स्टेडियम था ना, 30,000 में से 1,000 पाकिस्तानी था, बाकी 29,000 सारे इंडिया। सही बात है। तो पहले देखते हैं यार, बाकी बातें करेंगे बाद में, काउंट करते हैं वीडियो एंड स्टार्ट। बाहर जो स्टेडियम के 16 से ज्यादा रोल्स रॉयस खड़ी थी, और आज अमेरिकन, ये अमेरिकन चैनल पे आया है कि इतनी वेल्थ जो है वो भारतीय निजात लोगों में है यहाँ पे अमेरिका के अंदर, रिमार्केबली। एक तो ये मैं मेंशन करना चाहता हूँ, कैसे हालात हैं? ठीक है, बिल्कुल। अभी कल ही बजट भी अनाउंस हुआ है। हाँ। तो उसमें जो है वो जो जिस तरह लग रहा था कि गरीब के लिए होगा, वो उतना कोई खास उन्होंने कोई रिलीफ नहीं दिया। ठीक हो गया, परेशानी बन रही है, परेशानी बन रही है, दिन ब दिन जो है वो बेहतर की तरफ नहीं आ रहे, हम पीछे की बैकवर्ड ही जाती है। नेबर कैसे आगे जाता जा रहा है, इंडिया कैसे आगे जाता रहा है? वो इस टाइम उनका जो वो गूगल की तरफ उनका है, अमेज़न वहाँ पर है, हर आईटी वहाँ पर है, नंबर वन वहाँ पर है। 5% भी उस स्टेडियम के अंदर 5% भी पार्क सकते। एक तो टिकट महंगे थे, एक वजह ये टिकट महंगे, उसकी वजह ये ना, हम चीमा साहब देखें इस वक्त पैसा जो है, आपको पता है आईटी की वजह से सबसे ज्यादा भारतीय निजाद सिटीजन उनके पास है पैसा। आप, मैं इसकी मिसाल नहीं दूंगा कि सिर्फ इस क्रिकेट टीम के, मैं देखा है, मैं देखता हूं इतिहाद, एमिरेट्स और कतर में आप जाएं, बिजनेस क्लास में सिर्फ भारतीय होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम देयर साउथ इंडियन, और वही इसी तरह का क्राउड मैंने करवा भी देखा है। और पाकिस्तानी फिर पता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ऊबर चलाना पूरी बार, हम तो ऊबर और गैस स्टेशन से आगे नहीं ग्रो कर पाए ना, हमारा डायस्पोरा तो डंकियों से आता है। दोस्तों, भारतीयों की शान ही अलग है। जितने भी भारतीय एनआरआई भाई बाहर रहते हैं, वो बड़ी शराफत से, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मेहनत से वहाँ पे काम करके रोजी रोटी कमाते हैं, और ये बात पक्की है दोस्तों, क्योंकि हमारे भारतीय भाई पढ़े लिखे हैं तो इसलिए अच्छी जॉब भी मिलती है, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, इसीलिए रिवार्ड भी पूरा मिलता है। और जब रिवार्ड पूरा मिलता है दोस्तों, तो फिर उनकी तारीफ दुनिया करती है। पार्किंग में जितनी भी रॉयल्स रॉयल्स खड़ी है, सारी भारतीयों की है, इसीलिए क्योंकि इन्होंने मेहनत की है, अपने दम के ऊपर आगे बढ़े हैं। दोस्तों, ये कभी भी किसी की मदद नहीं मांगते, बल्कि मदद करते हैं, इसीलिए आज पूरी दुनिया भारतीय डायस्पोरा को अपने यहाँ पे बुलाती है, इसलिए पूरी दुनिया के अंदर भारतीयों की इतनी डिमांड है दोस्तों, क्योंकि उनको मालूम है ये पढ़े लिखे समझदार, ईमानदार और शरीफ लोग होते हैं। पाकिस्तानियों को पूरी दुनिया में बैन क्यों किया जा रहा है, उसके पीछे कारण यही है कि हुड़दंग करते हैं, दंगे करते हैं, काम करते नहीं है, पासपोर्ट लेके छुप जाते हैं या भीख मांगते हैं। अब तो इनके अपने देशों में जो इनके भाई मुल्क थे, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, वहां पे भी इनके वीजा बंद हुए हैं। दोस्तों, ये सादी तार इसीलिए हैरान रह गया क्योंकि इसने देखा ही नहीं था ये चीजें, ये कुछ और सोचता था, लेकिन अब इसको हकीकत नजर आ गई है, अब बाकी पाकिस्तानियों को भी नजर आनी शुरू हो चुकी है। आप भी कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आप तो मैच देखने गए थे तो इंडिया जीत गया, आज फिर इंडिया जो है वो जीत गया अमरीका से। पाकिस्तान तो अमरीका के आगे एक मिनट नहीं खड़ा हुआ। तारक साहब, हमारी टीम तो अमेरिका से भी नहीं जीत सकी जिनका कोई एक्सपोजर नहीं था, ये तो इंडिया की टीम ने तो कमाल कर दिया। और बुजारी बात है, वो प्रोफेशनल नजर आई, इस पर भी कमेंट करें कि ऐसा क्या था कि पाकिस्तान अमेरिका से भी हार गया और इंडिया जो है आज यूएसए से जीत गया। जब ये मैच हारे जब यूएसए से, तो मेरे पास टिकट तो मौजूद थे, बल्कि दोस्तों के साथ मैंने जाना था, तो मैंने सोचा था कि ना जाऊं, लेकिन दोस्त मेरे जो भारतीय दोस्त हैं सारे, उन्होंने बड़ी जिद की कि आप आए। देखिए, हम चीमा साहब यहाँ 35-35 साल से इकट्ठे हैं, इकट्ठे ग्रो अप हुए, तो उन्होंने जिद की, बल्कि जसदीप साहब जो मेरे साथ हैं उन्होंने भी जिद की, फिर मैं गया वहां देखने। और जाती तौर में पूछे तो मैं दोनों टीमों को सपोर्ट कर रहा था, अगर देखा जाए तो मेरी फीलिंग्स दोनों साइड पे थी, क्योंकि मेरे दोस्त भारतीय, मैं आपको बताया, मैं सारा दिन, एक पूरे 24 घंटे में से आधा दिन तो मैं भारत में होता हूँ, उसकी वजह की मैं सारा दिन मेरे आसपास जो है मेरे इंडियन दोस्त होते हैं, जसदीप होता है, उसमें चीमा साहब जो खासकर जो मैंने एक्सपीरियंस उस दिन किया, एक तो स्टेडियम के अंदर पाकिस्तानी बहुत कम थे, ज्यादातर जो थे 80-90% देवर भारतीय थे। आज बल्कि किसी ने ये कहा है कि अमेरिका के जो फुटबॉल है उससे भी ज्यादा पॉपुलर है, और बाहर जो स्टेडियम के 16 से ज्यादा रॉयल्स रॉयस खड़ी थी, और आज अमेरिकन, ये एक अमेरिकन चैनल पे आया है
कि इतनी वेल्थ जो है वो भारतीय निजात लोगों में है यहाँ पे अमेरिका के अंदर, रिमार्केबल। एक तो ये मैं मेंशन करना चाहता हूँ। अब दूसरी तरफ बात करते हैं पाकिस्तानी टीम और उनकी परफॉर्मेंस। एक तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा सारे देखने वाले, खासकर अगर भारतीय हैं तो उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उनकी टीम इज परफॉर्मिंग वेरी गुड। फिर बल्कि उस दिन मैंने शायद पिछली दफा भी जिक्र किया था कि मैंने ना सिर्फ भारतीय टीम को फॉलो भी करता हूं मैं, बल्कि उनकी जो लॉकर रूम, उनका जो एक इवेंट था जहां उन्होंने खिलाड़ियों को मेडल दिए, उससे मैं बड़ा इंप्रेस हुआ कि उनकी इंग्लिश लैंग्वेज पे बड़ी ग्रिप, और फिर उनका जो उनकी टीम वर्क एक दूसरे के साथ, उनका बॉडी लैंग्वेज क्वाइट इंप्रेसिव। दूसरी तरफ मैं सबसे पहले तो दो चीजों को मेंशन करना चाहूंगा जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। आपके नेशनल मीडिया के ऊपर एक हमारे खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, सबसे पहले उन्होंने पठानों के खिलाफ बात की, एक बकचोद इजाज़ अहमद, इंतहाई मुतजाद बात, बुरी बुरी बात की, बहुत बुरी बात। फिर उसके बाद एक और खिलाड़ी आए हैं तो उन्होंने सिखों के बारे में बात कर, वो उमर अकमल क्या नाम है उसका, वो भी क्रिकेटर है, उसने सिखों पे आया कमेंट। ये चीजें दर हकीकत आपके माइंड सेट को रिफ्लेक्ट कर, सही बात है, आपके आपके जो खिलाड़ी हैं जो जो के रोल मॉडल होते हैं कौम के, देखें बच्चे देख रहे होते हैं, बच्चों के रोल मॉडल होते हैं, शर्ट एंड पैंट इनके नाम की किस मुंह से बातें करें ऐसे के साथ। यार वीडियो खत्म। तो यार ये वाकई में बहुत शर्मनाक है। लेकिन भाई अब आते हैं मेन स्टेडियम, मैं कहता हूँ इंडियंस के अलावा आपको सर क्या ब्लू जर्सी आपको के अलावा कुछ देख ही नहीं रहा था। मुझे सब्ज रंग की जर्सी तो मिली नहीं है, सीधी मैं बात करूंगा, सीधी सी बात, सब्ज रंग की जर्सी है, थे लेकिन यार इतने थे कि वो नजर आटे में नमक के बराबर भाई, वो थे आटे में नमक, आटे में नमक के बराबर थे जो गायब हो जाते हैं। एक नीली सुनामी थी उधर, सुनामी एक नीली सुनामी, ये सिर्फ नीली सुनामी पाकिस्तान के मैच में नहीं थी, कोई भी मैच उठाकर चेक कर लो आपको नीली सुनामी नजर आएगी। नीली सुनामी उधर आई भी थी, अभी वेस्ट इंडीज तुम देख लेना तुम्हें नीली सुनामी उधर भी नजर आएगी। पाकिस्तानी बोलते हैं लेकिन उधर टिकट इतना महंगा था वो इंडियन ही अफोर्ड कर सकते थे यार। खुद सोचो एक पाकिस्तानी $3,000 का अपना ट्रैक्टर भेज कर आया है, इस बात से अंदाजा लगा लो कितने महंगे टिकट होंगे भाई। और इधर इंडियंस रोल्स रॉयस में और मुख्तलिफ लग्जरी कारों में, स्पोर्ट कारों में आए हुए थे और उधर खड़े हुए थे। वाकई भाई इसको कहते हैं पावर, और अमेरिकन मीडिया इसको कवर कर रहा है कि फुटबॉल से ज्यादा पॉपुलरिटी है इंडिया के क्रिकेट मैच के। तो यार ये बोल ही रहे थे कि यार कोई भी बड़े से बड़ी जगह पे तुम चले जाओ आपको इंडियंस उधर लग्जरी लाइफ जीते हुए नजर आएंगे, जीते हुए मिलेंगे। तो आपका कैसे इसके ऊपर क्या कहना है, अपने राय कमेंट सेक्शन में दें। आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। दो यार भाई